बदनावर विधानसभा में इस बार चुनाव दिन प्रतिदिन दिलचस्प होता जा रहा है और दिलचस्प भी क्यों ना होगा। आखिर त्रिकोणीय मुकाबला जो है, और त्रिकोणीय मुकाबला करने वाला और कोई नहीं बल्कि बीजेपी से निकले निर्दलीय प्रत्याशी राजेश अग्रवाल हैं, जिन्हें स्थानीय उम्मीदवार के रूप में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से अब वे निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए हैं और ट्रैक्टर के साथ अपना तूफानी जनसंपर्क जारी कर दिया। अग्रवाल को अथाह जन समर्थन मिलने से क्षेत्र में खूब चर्चाएं भी चल रही हैं कि आखिर एक निर्दलीय प्रत्याशी के प्रति लोगों का इतना रुझान क्यों है। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्ती गांव अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी भंवर सिंह शेखावत भी विकास कार्य को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी जीत पक्की मान रहे हैं। खैर जो भी हो, यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि किसकी जीत होती है और किसकी नहीं। लेकिन बदनावर विधानसभा में 28 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर क्षेत्र में खूब चर्चाएं चल रही हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं बदनावर से जितेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। गली गली में बवाल है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जनता क्या, जनता का क्या समर्थन मिल रहा है? जनता का भारी जन समर्थन है और मैं कई जगह गया तो लोगों ने बताया, आज पहली बार कोई उम्मीदवार हमारे घर वोट मांगने आया है। साहब ये राजा महाराजा आते हैं, गांव के बीच में बैठ जाते हैं, पूरे गांव वालों को वहीं बुला लेते हैं, डोर टू डोर कोई जनसंपर्क नहीं करता है। राजेश जी आप हमारे दरवाजे हमारे घर पे आए हैं, हमारा सबका आशीर्वाद आपके साथ है। बदनावर की आजादी की लड़ाई के लिए जो आपने कदम उठाया है, इसमें बदनावर के लाखों जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और सारी जनता चाहती है कि बदनावर में स्थानीय जनप्रतिनिधि बने, यहाँ की जनता की पसंद का उम्मीदवार तय हो, यहाँ का चौकीदार जनता के बीच का बने। इसलिए जनता दोनों ही भारी उम्मीदवार का भारी विरोध कर रही है। जनता को अब सेवक चाहिए, राजा महाराजाओं से जनता का पेट भरा चुका है। राजेश जी आप निर्दलीय हैं तो आपकी टक्कर किससे माने, भाजपा से माने कि या कांग्रेस से मानी जाए? मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये जनता की लड़ाई है। राजेश अग्रवाल चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये कांग्रेस बीजेपी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव यहाँ की अस्मिता यहाँ की जनता की मान सम्मान की लड़ाई है कि इस क्षेत्र में भी प्रतिनिधि बनने लायक लोग बसते हैं। हमारा क्षेत्र भी ऊर्जावान क्षेत्र है या पढ़े लिखे लोग हैं जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन आजादी के बाद से कभी जनता के बीच का उम्मीदवार हमें नहीं मिला। बहुत कम अवसर पर यहाँ स्थानीय विधायक बने हैं, अतः जनता का भारी आक्रोश है कि यहाँ पर स्थानीय विधायक हो, जनता के बीच का विधायक हो।